एफएम बोले तो रेडियो सिटी 91.9 एफएम से मैं आरजे नेहा और आज हम लोग आए हुए गीलत बाजार में। यहाँ पर गड्ढा था, यहाँ पे हमें कार्तिक जी ने बताया था कि गड्ढा है, यहाँ पर इसको आके देखें और यहाँ पौधा लगाए ताकि यहाँ पर आने वाले टाइम में कोई एक्सीडेंट ना हो, तो हमने यहाँ पौधा लगा दिया। हमारे साथ एसपी ट्रैफिक सुरेश चंद रावत सर है। सर क्या कहना चाहेंगे? ये अच्छी मुहिम है रेडियो सिटी की, हम धन्यवाद देना चाहेंगे कि आप कम से कम ये प्रशासन को ये चीज़ संज्ञान में ला रहे हैं कि कहां कहां पर उनके एक्शन की ज़रूरत है। और निश्चित रूप से गड्ढे हैं शहर में, हम लोग भी आइडेंटिफाई कर रहे हैं, उनको भराने का काम प्रशासन के द्वारा किया जा रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं छूट जा रहे हैं, उस पर आप लोग ध्यान आकर्षित करा रहे हैं। इसके लिए हम आपको बहुत बहुत बधाई देते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। निश्चित रूप से प्रशासन इसमें सक्रिय करेगा और वाराणसी के लोगों को अच्छी सड़कें चलने के लिए उपलब्ध होंगी। मतलब गड्ढा मुक्त बनारस को बनाने की जो हम लोग मुहिम छेड़ रहे हैं उसमें आगे आने वाले टाइम में कामयाबी मिलेगी, बहुत कामयाबी मिलेगी और बहुत अच्छा, बिल्कुल कोई गड्ढा बाकी नहीं रह जाएगा बनारस का, ऐसा हमारा विश्वास है। बिल्कुल, तो आपको भी अगर सिटी के किसी भी कोने में गड्ढे नजर आते हैं तो आप जरूर से 2505785 पर कॉल करके बताएं। साथ ही साथ आपको अगर गड्ढा दिखता है आप वहाँ पर खुद भी पौधा लगा सकते हैं, उसके साथ फोटो क्लिक करके #RadioCity #City का फ्लावर पॉट करके टैग करके फेसबुक पे लगा सकते हैं। बाकी सुनते रहिए रेडियो सिटी 91.9 एफएम, रग रग में बनारस सिटी।